नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं अंश माथुर, आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। देशव्यापी हड़ताल पर बरेली में बैंकों में लटके ताले। पूर्व घोषित हड़ताल का बरेली में खास प्रभाव रहा। स्टेट बैंक सहित सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में कामकाज नहीं हुआ। आज का मुख्य आयोजन स्टेट बैंक कचहरी शाखा पर 11 बजे से शुरू हुआ। यूनाइटेड फोरम के संयोजक दिनेश सक्सेना ने अधिकारी व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का ढुलमुल रवैया हड़ताल का प्रमुख कारण है। लगातार नहीं कर रही है, आज हो गई है 27 महीने तक लंबित होने के बाद पूरी में 2 दिन की स्ट्राइक देने, इससे पूरी हम आधा दर्जन स्ट्राइक कर चुके हैं। ये सरकार 2% को दे रही थी, जो बिल्कुल कहीं पे भी आप देखेंगे देश के अंदर 15% लास्ट टाइम हमने 2017 में 12-12-15 में हुआ था, तब 15% हुआ था। आज इतनी महंगाई और सरकार के हमारे कम की 2% की बढ़ते बढ़ते कल ये 15% पे आए। बाकी फैमिली पेंशन अपडेशन फैमिली पेंशन ये चीजों पे अभी बात होना बाकी है। तो ये सरकार जब तक हम लोगों की इन मांगों को नहीं करेगी तब तक हम स्ट्राइक करेंगे। अभी 2 दिन की है, अगर इस पे भी सरकार नहीं मानी तो आने वाले 11-12-13 मार्च को है, जिसका देश में 8 दिन का पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर तो 8 तारीख का संडे है, 9-10 की होली है, 11-12-13 की स्ट्राइक है, 14-15 का सेकंड सैटरडे संडे है, इसका असर 8 दिन जाएगा और ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था पंगू हो जाएगी। सरकार को हमारी बात से आगे झुकना ही पड़ेगा और जो बेहतर समझौता 27 महीने से लंबे थे मानना ही पड़ेगा। ज्ञापी में तो समझौते के लिए जो स्ट्राइक हो रही है वो सभी राष्ट्रीयकृत बैंक और स्टेट बैंक समेत हम लोग हड़ताल पर हैं, अधिकारी और कर्मचारी सभी हड़ताल पर हैं। मैं देश के 10 लाख लोगों को, अधिकारियों कर्मचारियों को साधुवाद देना चाहता हूँ, लाल सलाम कहना चाहता हूँ, जिन्होंने आज अर्थतंत्र की रीढ़ बैंकिंग को जान कर रखा है और सड़कों पे है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, हमने जितने भी समझौते लिए हैं हमने अपनी ताकत से, अपने संघर्ष से, अपनी लड़ाइयों के बल पे लिए हैं। 11वां वेतन समझौता भी अपनी लड़ाई से लेंगे, हमें किसी की भीख की रहम और रहम की जरूरत नहीं है। जो सरकार 2% से चली थी वह सिर्फ 3.5% में रही है। सरकार को हमारी सभी मांगों को मांगना पड़ेगा, हम उसके रहम पर नहीं रहने वाले, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आज आपने देखा तमाम बैंकों में ताले लटके हुए हैं, तमाम राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं बंद हैं, स्टेट बैंक में कहीं काम नहीं हो रहा है और कल भी 1 फरवरी को हम लोग PNB के क्षेत्रीय कार्यालय पीलीभीत बाईपास पर वहाँ सुबह 10:30 बजे से स्ट्राइक का प्रोग्राम करेंगे, हड़ताल का कार्यक्रम करेंगे, सरकार के खिलाफ पूरी सरकार के खिलाफ जम के लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारी क्या दिवसीय धरना है आपका? मैं सुनील कुमार मित्तल, UIPU का अध्यक्ष बरेली। मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि आज हमें 31 जनवरी और 1 फरवरी की जो स्ट्राइक है वो हमें मजबूरन करनी पड़ी। सभी को मालूम है प्लेटफार्मों से ऑल इंडिया लेवल पे ये बताया जा चुका है कि हमारे 27 माह का वक्त आज की डेट में बीत चुका है। नवंबर 2017 से हमारा सेटलमेंट ड्यू था, गवर्नमेंट ये लगातार पहले कहती रही कि इसमें नवंबर 17 से आपके लिए पहले दिन से ये सेटलमेंट मिल जाएगा, लेकिन जब हमारे सब्र की इंतहा हो गई तो हमने बार बार बेस वार्निंग देने के बाद भी जब गवर्नमेंट आई ये नहीं मानी तब हमें ये इस बात का मजबूर होना पड़ा कि हम स्ट्राइक करें। द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती के मौके पर पुरातन छात्रा एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। आयोजन द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 123वीं जयंती को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि डाइट प्राचार्य श्रीमती शशि शर्मा रही। विशिष्ट अतिथि विद्यालय प्रबंधक हरिओम अग्रवाल रहे, जिन्होंने कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर रामश्री गंगवार ने किया। इसके बाद विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत का आयोजन हुआ। इसी कड़ी में पुरातन छात्र सम्मान समारोह में विद्यालय में आई पुरानी छात्राओं जिन्होंने विभिन्न पदों पर विद्यालय का नाम सुशोभित किया है, जिसमें मधु मिश्रा, डॉक्टर चारू मेहरोत्रा, रानी सारस्वत, पूनम शर्मा, शोभा मिश्रा, शिवानी शर्मा, निधि, नमिता, पूनम आदि द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। छात्राओं ने अपने पुराने अनुभव व्यक्त किए।
जिनका मुख्य अतिथि डाइट प्रचार शशि शर्मा द्वारा दो साल उड़ाकर स्वागत किया गया। उसके बाद विद्यालय में पढ़ रही छात्राओं में हाई स्कूल व इंटर में अच्छे अंक लाकर कॉलेज का नाम रोशन किया, उनको मुख्य अतिथि के द्वारा भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर कॉलेज की छात्राओं द्वारा लघु नाटक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर रामश्री गंगवार ने बताया, हम लोगों ने प्लान बनाया अपने विद्यालय प्रबंध समिति के सहयोग से कि जो भी हमारी पुरातन छात्राएं विभिन्न पदों को हमारे पूरे देश में जगह जगह पर सुशोभित कर रही हैं, उनको हम बुलाएं और उनसे उनके जीवन से प्रेरणा देते हुए हम अपनी छात्राओं को कुछ प्रेरणा दे पाएँ ताकि वो भी उन्हीं की तरह आगे बढ़े और हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें। और इसके साथ ही आज प्रतिभा सम्मान समारोह भी हमने इसमें जोड़ा हुआ है कि गत वर्ष की जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की सभी वर्ग में प्रथम तीन स्थान प्राप्त जो छात्राएं हैं उनको भी सम्मानित करना है ताकि उनसे और बच्चे प्रेरणा लें और हमारी छात्राएं आगे बढ़ें। और इसके साथ ही हमारा कल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है, तो वो भी हमने इसकी मुख्य थीम को रखा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ताकि उसको राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भी आज हम इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस सब का उद्देश्य है कि हमारी बेटियां बहुत आगे बढ़े। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि ने बताया, सभी शिक्षिका और प्रिंसिपल को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने अपने अथक प्रयास और सहयोग से सभी प्रातः छात्राओं को बुलाया और बच्चों को प्रेरित किया। इससे जो है बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं कि हमारी पूर्व छात्राएं जो हैं उच्च पद पर हैं, तो हो सकता है कि हम भी अब मेहनत करें उनकी तरह तो आगे बढ़ेंगे, समाज को एक दिशा मिलेगी। चीन में फैले कोरोना वायरस ने भारत में भी अपने पैर पसार लिए हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा सभी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए सीएमओ विनीत कुमार शुक्ल ने सिटी न्यूज से खास बातचीत में बताया, कोरोना वायरस भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है। रेस्पिरेटरी वायरस से अर्थ ये है कि इससे जुकाम, खांसी, फ्लू जैसे सिम्टम, बदन में दर्द और सांस लेने की तकलीफ, यही सब लक्षण इसमें होते हैं। जैसा कि पूर्व के वर्षों में हमने स्वाइन फ्लू या H1N1 वायरस, स्वाइन फ्लू का वायरस होता था, उसमें देखा है लगभग इसी तरीके के सिम्टम्स इसमें रहेंगे। ये अभी चाइना में रोगी मिले हैं, हमारे देश में हम लोग अतिरिक्त सावधानी इसलिए बरत रहे हैं कि बहुत से लोग चाइना आते जाते रहते हैं, तो चाइना से आने वाले सभी व्यक्तियों को निगरानी में रखा जाएगा। और इसके अलावा जो हमारे जनपद नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं उनको निगरानी में रखा जाएगा कि नेपाल से आने वाले व्यक्ति चाइना की यात्रा करके तो नहीं आए हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। सारे नर्सिंग होम्स को हमने एडवाइजरी जरूर कर दी है, यदि इस प्रकार का फ्लू का कोई रोगी आए तो तुरंत उसकी सूचना दें, और सूचना देने पर हम उनका सैंपल लेंगे, उनका ओरोफेरिंजियल नेसोफेरिंजियल स्वाब है, उनका सीरम का सैंपल है, होल ब्लड का सैंपल है, और उसको जाँच के लिए भिजवाएंगे। आम जनता के लिए कई रोकथाम के उपाय हैं, जैसा कि स्वाइन फ्लू अच्छी छींकते खांसते वक्त मास्क का प्रयोग या तो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, या अपने मुंह पे नाक पे अच्छी तरह रुमाल रख लें, भीड़ भरे क्षेत्रों में न जाएं, यदि आपको फ्लू है तो घर में ही रहना, अधिकांश घर में ही रहने का प्रयास करें, और जो रोगी फ्लू से पीड़ित है उनको थोड़ा अलग रखें और लोगों से, हाथ इत्यादि बार बार धोएं, हाथ मिलाने के बाद हाथ जोड़ धोएं, हाथ ना मिलाएं ज्यादा अच्छा है, हाथ जोड़ के नमस्कार कर सकते हैं। इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना है, कोई आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें रोकथाम करने से, और यदि किसी इस प्रकार के लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज को आप अपने मोबाइल के यूट्यूब पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें, फोन नंबर 9760095470, या हमारे कार्यालय पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीडीपुरम बरेली। समाचारों का सिलसिला यहीं खत्म होता है, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।